हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं अपने फेसबुक में नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने फेसबुक में नंबर चेंज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, यानी अपने फेसबुक में पुराना नंबर को डिलीट करके न्यू नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल के आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन होने के बाद कुछ इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा थ्री लाइन का ऑप्शन, तो हम लोग थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स प्राइवेसी का ऑप्शन, तो हम लोग सेटिंग्स प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन, तो हम लोग कॉन्टैक्ट इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम लोग का नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो हमारे फेसबुक में पहले से लिंक है। तो यहाँ पर हम लोग का पुराना वाला नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं न्यू नंबर कैसे ऐड करूँ अपने फेसबुक में, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐड फोन नंबर, तो हम लोग ऐड फोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर न्यू नंबर को अपने फेसबुक में ऐड कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर न्यू नंबर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। न्यू नंबर को ऐड करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड इस नंबर पे एक ओटीपी नंबर आएगा, हम लोग ओटीपी नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी नंबर टाइप कर लेता हूँ। ओटीपी नंबर टाइप करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो हम लोग का न्यू नंबर आसानी से ऐड हो जाएगा। हम लोग इस तरह से अपने फेसबुक में न्यू नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।